अंबरनाथ खूनी टैक्सी चालक, टैक्सी नंबर ML01X5293। अगर आप इस टैक्सी में हैं तो फौरन उतर जाइए। मैं उसी टैक्सी में हूँ, मड आइलैंड में। प्लीज हेल्प मी। पुलिस की टीम आपकी लोकेशन पर पहुंच रही है, अगर मौका मिले तो फौरन उतर जाइए और कुछ भी हो जाए शांत रहिए। दादा मुझे ना साइड में उतार दो, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन मैडम ये रास्ता एकदम सुनसान है, इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगी? अरे नहीं नहीं दादा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे रिसीव करने आ रहे हैं, बस दो मिनट में आ जाएंगे, आप प्लीज साइड में रुको। हाँ हाँ मैडम, फिर भी ठीक है, उनको आने दो फिर उतर जाना। फोन आ रहा है दादा। अब हेलो, हाँ तुम लोग आ गए क्या? हाँ हाँ मैं बस पहुँच ही गई हूँ, बस उधर ही। हाँ उधर ही साइड में ही, बस रोड पे ही हूँ। हाँ ठीक है ओके बाय। दादा वो लोग आ ही गए हैं, बस साइड में ही हैं, आप मुझे साइड में उतार दो प्लीज। लो दादा, थैंक यू। से उतर गई हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचो। स्टॉप स्टॉप, हेल्प प्लीज हेल्प हेल्प। पिक अप द फोन। पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक? कई सारे बार हैं, बहुत बेरहमी से मारा है। और सर
इसके चेहरे पे देखो ना क्या है। क्या है ये? सर लिपस्टिक है। लिपस्टिक? हाँ सर। ये लगता उसी लिपस्टिक से ये लिखा गया है। ट्रेटर, धोखेबाज। लगता है इस लड़की ने किसी को धोखा दिया है, जिसकी ये सजा मिली है उसे। लगता है खूनी बड़ा पागल है। चेहरे पे निशान और ट्रेटर लिखा हुआ है। जिसने भी किया है वो बहुत नफरत करता था इससे। ये लोग कौन है? सर ये टीना की बहन नेहा है और ये महक है, टीना की दोस्त, और वो रवि है। जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन विश्वास रखो हम लोग खूनी को जल्द पकड़ लेंगे। अगर मैंने अपना फोन चेक किया होता तो टीना आज जिंदा होती। क्या मतलब? सर कल रात उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं काम में इतना बिजी थी कि उसका फोन चेक नहीं कर पाई। उसने मुझे ये मैसेज भी किया। सर मुझे और महक को भी मैसेज किया था। एक ही मैसेज सबको फॉरवर्ड किया गया। टीना टैक्सी से जा रही थी, उसको किसी ने ये मैसेज किया और उसने टैक्सी की फोटो भी भेजी। कहीं टैक्सी ड्राइवर तो उसने तो नहीं फोन किया? लेकिन टीना का फोन कहाँ है? जिससे उसने फोन किया, मैसेज भेजे, हमने तो सारा एरिया छान मारा, कहीं नहीं मिला। सबसे पहले पता करते हैं कि टीना को ये मैसेज भेजा किसने और उस टैक्सी ड्राइवर को भी। टीना ने कुछ बताया था कल रात वो कहाँ जाने वाली थी? वो तो काम से सीधा घर ही आती थी सर, लेकिन इस रोड से नहीं आती थी। इस रोड पर कैसे आ गई वो? टीना किसी को बिना बताए कहीं जाती है? नहीं। अच्छा ये ट्रेटर लिखा हुआ है इसके बॉडी के पास, धोखे पास, मतलब कुछ पता है इसने किसको धोखा दिया है, कुछ मालूम है? जी सर। सर मैंने धोखा नहीं दिया था, टीना तो मेरी वाइफ थी। वाइफ नहीं, एक्स वाइफ, जिसका तुमने जीना हराम कर रखा था। जीते जीते उसे जीने नहीं दिया, अब उसके मरने के बाद यहाँ क्यों आ गए? चुप करो तुम। एक मिनट, रिलैक्स। तरुण तुम टीना के हस्बैंड हो, डिवोर्स क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मैं टीना को टॉर्चर करता था, उसे गालियों भरे लेटर्स भेजता था और उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। उससे ज्यादा कोई इशू नहीं था, है ना? अपना मुंह बंद करो, तुम समझी? इधर बात करो। तुमने टीना को जान से मारने की धमकी दी थी? सर कौन से हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते, हमारे भी होते थे सर। गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल देते थे हम एक दूसरे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको मैं मार ही डालूंगा। कल रात तुम कहां थे? सर आपको लगता है कि टीना को मैंने मारा है? सर अगर पूछना है तो आप इस रवि से पूछिए। सर इसी की वजह से हमारा डिवोर्स हुआ। सर मैं और टीना तो अच्छे दोस्त थे सर। तुम्हारा और टीना का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक पॉजिटिव और एक पागल आदमी हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बताओ तुझे क्या सोचता हूँ मैं? अच्छा क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हरकत की ना तो समझ जाना। ले जाओ इन दोनों को। चलो। सर करण को लगता है टीना ने उसे रवि के लिए धोखा दिया। और यहाँ पे ट्रेटर लिखा हुआ है, कहीं वही तो नहीं? हो सकता। और ये भी हो सकता है कि ये करण सच बोल रहा हूँ। रवि टीना से प्यार करता था मगर हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मार दिया उसने टीना को। हो सकता है सर, इस पे नजर रखनी पड़ेगी सर। सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये करण कल रात कहाँ था। अरे ये तो वही टैक्सी है जिसका पुलिस का मैसेज आया था, इसका ड्राइवर तो खूनी है। अरे हाँ नंबर तो वही है, 5293।
चल बाहर निकल, अरे छोड़ो, मत मारो इसे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हटो पीछे, पीछे हटो, हटो जरा, हटो पीछे, हटो हटो पीछे। अरे वही खूनी टैक्सी वाला ड्राइवर है जिसने खून किया, मैसेज आया था जो तो मारोगे क्या उसको? पीछे हटो। ए ए जिंदा? हाँ, हॉस्पिटल ले चलना होगा जल्दी। सर, मुझे पता नहीं चल रहा सर, फिर पब्लिक ने मुझे क्यों मारा? मैं बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों से पब्लिक के बीच में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, 5293 टैक्सी का ड्राइवर खूनी है, वो अपनी टैक्सी में लोगों को बिठाता है और उनका खून कर देता है। और 5293 तुम्हारी टैक्सी का नंबर है, किसी ने देखा होगा तो उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया तुम्हें मारने के लिए। लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया सर, किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है सर। तो ये आपको सही रास्ते पे ले जा रहा था या इधर उधर घुमा रहा था? ये मुझे सही ले जा रहे थे सर, इनफैक्ट ये तो अच्छे इंसान है, इन्होंने रास्ते में पानी पीने के लिए टैक्सी भी रोकी थी। अच्छा ठीक है, आप अभी जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा मुलाकात। थैंक यू। लड़की को पहले कभी देखा? हाँ सर, इसको क्या हो गया सर? कल रात को उसका खून हो गया। खून? हाँ खून। अब तुम्हारे समझ में बात आ गई होगी कि हमारे हिसाब से इस लड़की का खून तुमने किया है। नहीं सर, ये आपका घर है सर। मैंने सीधे सीधे बताओ, कल रात जब ये लड़की तुम्हारी टैक्सी में बैठी उसके बाद क्या हुआ? सर कल रात मैं उसके बताए हुए पते पे ले जा रहा था। दादा वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, आप मुझे साइड में उतार दोगे प्लीज? ये रास्ता एकदम सुनसान है, इतनी रात को आप अकेली कहाँ उतरेंगे? अरे नहीं नहीं दादा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ना मुझे रिसीव करने आ रहे हैं, बस 2 मिनट में वो आ जाएंगे, आप गाड़ी साइड में लगा दो प्लीज। सर सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। ठीक है हम लोग अभी चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू सर, ठीक है। लगता है ये सच बोल रहा है, अगर मान भी लें कि ये खूनी नहीं है तो SMS का क्या चक्कर है? सर सारे मैसेजेस झूठे, मैंने कमिश्नर्स ऑफिस से वेरीफाई किया, उन्होंने ऐसे कोई भी अलर्ट पब्लिक में नहीं भेजा। मतलब ये सब अफवाह थी, वो टीना को जो मैसेज आया था वो फेक था? खूनी ने टीना को मैसेज भेजा ताकि उसे पढ़कर वो डर जाए और टैक्सी से उतर जाए, वो भी किसी सुनसान रास्ते पे, ताकि वो उसे आसानी से मार सके और सारा इल्जाम इस टैक्सी ड्राइवर पर जाए। और सर वो खूनी को पहले से कैसे पता था कि टीना वही टैक्सी में बैठी? Exactly. उसे तो नंबर भी पता था। पहले से नहीं, उसे भी तभी पता चला जब टीना टैक्सी में बैठी, मतलब उस पर नजर रख रहा था। खूनी ने जो उसे फोटो भेजे थे उसे चेक करते हैं, उसी में कोई राज छुपा हुआ है। प्रेडी सारे के सारे फोटोग्राफ डिस्प्ले करो। सर करण का कहना है वो तो घर पे था, उसका विटनेस है वॉचमैन, और रवि का कहना है वो रेस्टोरेंट में था, विटनेस वहाँ के बेटे। मतलब वो दोनों ने फोटो नहीं खींची? पंकज जी विटनेसेस झूठे भी हो सकते हैं, और ये तो हमने कई बार देखा भी है। फिर भी इस करण और रवि पर नजर रखो। सर ये सारे फोटोज है जो टीना ने अपनी बहन नेहा और अपने फ्रेंड्स को भेजे थे। ये फोटोज ब्लर्ड क्यों है? मोमेंट में लिए गए होंगे ना? नहीं, ये फोटो गाड़ी के अंदर से लिए गए हैं अभिजीत। टैक्सी के अंदर से? नहीं फ्रेडी, टैक्सी के अंदर से नहीं, उस दूसरी गाड़ी में से जो इस टैक्सी का पीछा कर रही थी। ये गाड़ी का सामने का कांच है, गाड़ी का विंडस्क्रीन, वो गाड़ी जो खूनी चला रहा था। कुछ है इधर,
हाँ, विंडस्क्रीन के कोने पे कुछ है। बेटी जरा जूम करो तो, हैं? जरा थोड़ा साफ करके भी दिखाओ। ये तो स्टिकर जैसे कुछ लग रहा है। पार्किंग स्टिकर, ये जो सोसाइटी और बिल्डिंग वाले देते हैं ना अपने परमानेंट मेंबर को वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए। सर पार्किंग स्टिकर्स तो क्लब भी देता है सर अपने मेंबर्स को। ये उल्टा लिखा हुआ है सर, ये पी यू और एस, एस यू पी। हाँ, हो सकता है खूनी जिस सोसाइटी में रहता है उस बिल्डिंग का नाम एस यू पी से शुरू होता हो। सुप्रीम, सुपीरियर, सुपर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी तो हजारों बिल्डिंग और सोसाइटीज होगी, लेकिन ये लोगो किसी एक बिल्डिंग का ही होगा ना भाई। रेडी, उन सारी बिल्डिंग्स की लिस्ट बनाओ जिनका नाम एस यू पी से शुरू होता है। चली जाती हूँ। हेलो हेलो सोनल, सोनल तू ठीक है ना?
Oh my God. Sherry को फोन कर दी। सोनल का फोन कवरेज एरिया से बाहर है, लग ही नहीं रहा। निकल गया, गाड़ी में था ना सर। गाड़ी का नंबर? गाड़ी बहुत दूर चली गई थी, मैंने फायर किया उस पर। गाड़ी पे लगी है, व्हाइट कलर की एसयूवी थी। चलो कुछ कनेक्शन तो मिला। व्हाइट कलर की एसयूवी शहर में कितनी होगी? वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो फिर से मेरे पीछे आएगा। मैं उसे जानती तक थी। वो मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम डाउन, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? अच्छा, आपने कहा कि आपको एक एसएमएस आया था। यस, एक और फेक एसएमएस, ठीक वैसा है जैसे टीना को आया था। आपने आपने उसका चेहरा देखा था? अभिजीत, एक हेल्पलाइन नंबर है और एक कोई गाड़ी का नंबर लग रहा है, चेक करते हैं। पुलिस से वेरीफाई करो। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक आपका है? नो, नहीं सर। क्या आपका नहीं है? ये लिपस्टिक का कलर तो, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे टीना के चेहरे पे था और वहां पे वो लिखा हुआ था ना। सर सेम पैटर्न, पहले फेक एसएमएस, फिर अटैक, फिर ये लिपस्टिक। मतलब अगर आज हम लोग टाइम पे नहीं आते तो सोनल के साथ भी वही होता जो टीना के साथ हुआ। कमाल है, इस खूनी को टीना ने भी धोखा दिया और सोनल ने भी। एक ही आदमी को इतने धोखे, लगता है ये आदमी कोई पागल है, कोई सीरियल किलर है जो अकेली निहत्ते लड़कियों को देखकर उन पर अटैक करता है। ये भी हो सकता है कि खूनी का टीना और सोनल, इन दोनों से कोई वास्ता हो। अरे सोनल, सोनल क्या हुआ? सर बेहोश हो, जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। थैंक और सोनल की तुम बिल्कुल ठीक हो। सच कहो तो तुम्हें लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सच बताओ तो एक सेकंड के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मजाक कर रही है, इसे रात को फोन करके मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा हुआ मजाक समझ के इग्नोर नहीं किया। वैसे अंकल आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है, दोपहर की फ्लाइट से आ रहे हैं। ठीक है, अब तबीयत कैसी है? बेटा आप लोग? हम दोस्त है सोनल के। मैंने ही आपको कॉल किया था। देखिए मुझे पता है आप काफी डिस्टर्ब हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करना जरूरी है।
आपके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो टीना के साथ हुआ था, और हमें नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस है। क्या मतलब? हमें लगता है तुम्हारे और टीना के बीच कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लिंक जरूर है। मैं तो टीना को पर्सनली जानती भी नहीं थी, बस न्यूज में देखा था उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, और ऑनलाइन बातें की थी बस। ऑनलाइन? वो कैसे? जी, हमारा एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है जिसके मैं मेंबर हूँ, और टीना भी मेंबर थी, बस उसी पे 2-3 बार चैट की थी। क्या कैसा ग्रुप है ये? जिस कपल की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स हो चुका होता है, उन्हें ये ग्रुप इमोशनल सपोर्ट देता है। मेंबर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और एडवाइस दे सकते हैं एक दूसरे को। तो आपने और टीना ने कभी आपस में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कभी? हाँ, 2-3 बार बात हुई थी, और हमने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये कनेक्शन है टीना और सोनल के बीच, इनकी शादी में प्रॉब्लम थी, और किसी वजह से कूनी को लगता है कि ये दोनों धोखेबाज, और इसीलिए कूनी अपने साथ वो लिपस्टिक लेके आया था सोनल के ऑफिस में, ताकि इसे मारने के बाद इसके लाश के पास ट्रेटर लिख सके। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक्चुअली टीना की बॉडी के पास हमें ट्रेटर लिखा हुआ मिला था लिपस्टिक से, और वो सेम कलर की लिपस्टिक हमें आपके ऑफिस से मिली। ये टीना ने कभी कुछ जिक्र किया था अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तुमसे? नहीं, टीना ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया, और मैंने आपको बताया ना कि मैं उसे कभी नहीं मिली थी, और ना ही हमारे बीच में कोई कॉमन फ्रेंड था। एक चीज तो कॉमन है, वो ऑनलाइन ग्रुप। पंकज, उस ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। सर, लिस्ट तो बनाइए, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिस, सबके नाम है। ये सुपीरियर बिल्डर, सुप्रीम, सुप्रैटिक और सुपर चैम्बर, सब 50 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नाम SUP से शुरू होता है, और जो पार्किंग के लिए स्टिकर देते हैं लगाने के लिए। अरे, वो लोगो मैच हुआ किसी बिल्डिंग से? मैच करके देख रहा हूँ सर, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं फ्रेडी, हमारे पास वक्त नहीं, इससे पहले कि वो खूनी किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे पकड़ना होगा। उसे करना भी क्या है सर, एक SMS से तो भेजना है, कितना टाइम लगेगा उसमें? वही तो, जल्दी से जल्दी दबोचना पड़ेगा सर। देख, वो जो SMS में इमरजेंसी नंबर मिला था, उसका कुछ पता चला, ट्रैक हुआ वो? पता तो चला सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जाली प्रीपेड नंबर है, स्विच ऑफ आ रहा है। सर, टीना और सोनल जिस ऑनलाइन ग्रुप में थी उसकी डिटेल्स निकाली है सर। ये देखिए सर, उस ग्रुप में 88 मेंबर्स है सर। मैंने सबकी IP एड्रेस चेक की कि जहाँ से वो लॉग इन करते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से एक मेंबर है सर। मुंबई में कितने हैं? 9 9 9 में से 2 ये हो गया, सोनल और टीना। सर, हो सकता है खूनी इसी ग्रुप में से हो। नो हो, ये खूनी जो भी है, इस टीना और सोनल को जरूर जानता है। और इस ग्रुप का मैनेजर कोई डॉक्टर केसी है, साइकेट्रिस्ट। सर, ये देखा आपने, इस केसी का एड्रेस, एमजी रोड नियर किरा नगर, सुप्रोतिम मेडिकल क्लिनिक। सुप्रोतिम, SUP। सर, ये डॉक्टर केसी तो कहीं खूनी नहीं, ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर से बेटर कौन जानेगा टीना और सोनल को? डॉक्टर केसी, सुप्रोतिम क्लिनिक। सर, ये केस तो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता जा रहा है। रेडी, ये केस भटक नहीं रहा है, सही जगह पे पहुंच रहा है, सही पते पे। साहिब जी, बेसो बेसो,
बोलो ने डॉक्टर केसी। हाँ जी डॉक्टर केसी साइकाइट्रिस्ट। बैठो ये तो खून नहीं लगता। खून? ये हमेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टीना का कोई खून कर सकता है और सोनल को कोई मारने की कोशिश कर सकता है। ए खुदाया ये क्या हो, ये सच्ची बोलो नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? इन दोनों को अच्छी तरह से जानते थे? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो लोग तो खुद दोनों पर्सनली मेरे को मिलने आए था, इधर ही बैठे थे मेरे क्लिनिक में। डॉक्टर साहब आपका ये जो ग्रुप है ये एग्जैक्टली है क्या? अरे बाबा ये तो एक्चुअली मॉरल सपोर्ट का ग्रुप है। आजकल क्या होता है ना कि आजकल के लड़के और लड़की एकदम जोश में आके लगन कर देते हैं, है? उसके बाद में लफड़ा खिटखिट झगड़ा और फाइनली डाइवोर्स। ऐसे परेशान लोग जो है ना हमारे ग्रुप में वो लोग आपस में बातें करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन से बच जाते हैं, है ना? और आप इन लोगों से पर्सनली मिलके बात करते थे? हाँ कोशिश तो मैं करता हूँ कि सबसे पर्सनली मिलूं, लेकिन जो मिल नहीं सकते ना उसके साथ में चैट पे फोन पे एकदम फ्री में एडवाइस दे देता हूँ। कभी दो पेशेंट को साथ में मिलता नहीं क्योंकि जो हमारे ग्रुप का जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। देखिए हमें शक है डॉक्टर साहब कि जो खूनी है वो आपके ग्रुप का कोई मेंबर है। नहीं 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 नो 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 इम्पॉसिबल। अरे हमारे ग्रुप के जो मेंबर है ने वो खुद इतने परेशान है कि क्या बताऊं, वो दूसरे का खून तो कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइप जी बाय द वे डॉक्टर आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? वो गाड़ी नहीं नहीं मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, मेरे को तो गाड़ी चलाने को आता ही नहीं। मैं तो आज तक जिंदगी में एक भी गाड़ी नहीं लिया। लेकिन हमें लगता है कि खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है क्योंकि उसके गाड़ी के कांच पे बिल्डिंग का जो पार्किंग का स्टिकर होता है वो लगा हुआ था। ए बाबा ये बिल्डिंग में तो कितना ऑफिस है, 50-60 गाड़ी रहेंगे तो सोसाइटी वाला हर एक गाड़ी के लिए पार्किंग का स्टिकर तो देता ही नहीं। नहीं हम बात कर रहे हैं एक वाइट कलर की एसयूवी की। वाइट एसयूवी? अरे वो व्हाइट एसयूवी तो हमारा अजय चलाता है ना। हाँ अजय कौन? हमारा असिस्टेंट, ये क्लीनिंग का काम वही तो देखता है। ये अजय की डिटेल मिलेगी हमें? क्यों नहीं, व्हाई नॉट अभी 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 तब ये लो अजय का एम्प्लॉय फाइल। ये अजय सोनल का दोस्त हॉस्पिटल में आता मिलने के लिए। ये अजय अभी है कहाँ? अजय एक्चुअली वो आज हमारे से हाफ डे छुट्टी लेकर गया ने, वो बोला कि गाड़ी बनाने का गैरेज में जाने का तो गाड़ी बनाने को गया। गोली लगी थी ना टेल लाइट पे, वही बनवाने गया होगा। हेलो सर मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल, मेरी फ्रेंड नताशा की जान खतरे में, उसे भी बिल्कुल वही मैसेज आया था। क्या बात कर रहे हो, वैसा मैसेज है? उसको फॉरवर्ड करो जल्दी, हम लोग देखते हैं। या क्या हुआ यार? सोनल का फोन था, उसकी दोस्त नताशा को वैसा ही मैसेज आया हुआ है। ये तो वैसा ही मैसेज है, ये अजय ही है। नताशा की जान खतरे में, अजय को रोकना होगा, उसका फोन ट्रैक करते हैं। हेलो फ्रेडी, हाँ सर मोबाइल लोकेशन यहीं पे ट्रेस हो रहा है। व्हाइट गाड़ी, टेल लाइट टूटी है। इस गाड़ी के विंडस्क्रीन पे भी वही स्टिकर लगा हुआ है, उस टैक्सी की फोटो इसी गाड़ी से खींची गई है। का मतलब अजय यहीं कहीं होगा, बचना नहीं चाहिए वो। नताशा, ये क्या किया तुमने?
मुझे मुझे मार देना था, बचाओ मुझे। अच्छा हुआ केस खत्म हो गया, हम लोग सही टाइम पे आए। इसको बाहर ले जाओ। मोबाइल तो है इसके पास, इसमें वो मैसेज और फोटोज हैं। सर डिलीट कर दिए होंगे सबूत मिटाने के लिए। हो सकता है किसी और फोन से भेजो। ये देखो ये फोटो तेजी, इसकी लोकेशन दिल्ली में है, ठीक उसी वक्त ली गई है जिस समय टीना का खून हुआ था। कमाल है, एक आदमी एक ही टाइम पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? अगर ये अजय उस वक्त दिल्ली में था तो यहाँ पे कहाँ था, किसी टीना का खून किया? चलो जी चक्कर में। सोनल के ऑफिस में मिला था और टीना की लाश के पास भी इसी शेड के लिपस्टिक से लिखा गया था। माय गॉड, इसका मतलब खूनी अजय नहीं नताशा है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ सर, ये सब मैंने किया है। फिर डाइवोर्स के बाद में कहीं नहीं जाया करती थी। अजय से मेरी पहली मुलाकात भी वहीं पर हुई थी। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन एक दिन, अजय अचानक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसी दौरान मैंने देखा कि वो टीना और सोनल से बातें करने लग गए, फ्लर्ट करने लग गया उनके साथ। मैं समझ गई थी कि टीना और सोनल की वजह से ही वो मुझसे दूर जाना चाहता है। और इसलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला किया? हाँ सर, टीना और सोनल जैसी बेशरम लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की उस हर औरत को मार डालती जो दूसरों के बॉयफ्रेंड या पति पर नजर डालती है। और अजय को फंसाने के लिए तुमने उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया? हाँ, क्योंकि अजय को मुझ पर शक हो गया था जब वो सोनल मुझसे बच गई थी। इसलिए तुमने ये सब नाटक किया ताकि हमारा शक अजय पे जाए। हाँ, नाटक नहीं, एक परफेक्ट प्लान था मेरा। लेकिन लेकिन पता नहीं वो लिपस्टिक कैसे मुझसे वहां छूट गई और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। गलती तो तुमने उस दिन कर दी थी जब तुमने टीना को वो नकली मैसेज भेजा था पुलिस के नाम से। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों को नकली मैसेज भेज कर डराते हैं और फिर उनके डर का फायदा उठाते हैं। और लोग बेचारे बिना सोचे समझे ऐसे फेक मैसेजेस को सच मान लेते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ऐसे फेक मैसेजेस के पीछे तुम जैसे क्रिमिनल्स हो सकते हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी मैसेज को सच मानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो आए कहां से। लेकिन तुम जैसे क्रिमिनल भूल जाते हैं कि तुम लोगों के पीछे हम हैं और जब तक हम लोग हैं तुम्हारे जैसे लोगों को खतरा ही खतरा है। दो खून किए हैं तुमने, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.